तारिका फोन क्यों नहीं उठा रही? तारिका प्लीज फोन उठाओ, डॉक्टर सालुंके को फोन करता हूं। लाइट को क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे मत पकड़ो, मैं किसी को तुम्हारे। चार घंटे हो गए तारिका का कुछ पता नहीं चल रहा है। सर, तारिका का मोबाइल आसपास ही दिखाई दे रहा है। पीछे काविन, तारिका खून। कुछ हुआ है तारिका को? खून है यहां पे। डॉक्टर जगन, अरे कुछ देर पहले फोन किया था, अब अंधेरा है, गया कहाँ ये? देखो जरा, लाइट लगा। सर, हाँ, स्विचेस सारे ऑन है, लगता है मेन स्विच ऑफ है। मेन स्विच ऑफ है, कमाल है। सर, ये तो मर चुके हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी को पता चल गया हो कि डॉक्टर जगन हमें कुछ बताने वाले थे, इसलिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, पहले तारिका का गायब होना और अब जगन जी का खून। वही तो। तारिका जी, डॉक्टर तारिका। ओह, ये तारिका का इयररिंग यहां पर। यही होगी। फोन लगा। सर, घंटी जा रही है। सर, सर उस तरफ। हाँ सर। सर, घंटी की आवाज काफी धीमी आ रही है। मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। वो नहीं डॉक्टर, तारिका नीचे है, जल्दी खोलो इसको। Thank you.
तो ये सब उन लोगों ने उस केस की रिपोर्ट्स के लिए किया है। इस केस ने हमें 3 दिन से उलझा रखा है। समंदर के अंदर बहता हुआ वो लकड़ी का टुकड़ा और उसके साथ वो आदमी की खोपड़ी। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है जाल में। खींच खींच। अरे ये तो कोई लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ है जाल में। खींच। अरे जल्दी निकाल, नहीं तो जाल फट जाएगा। खींच। ये काई हमें बताती है कि ये लकड़ी और ये खोपड़ी काफी बरसों से समुद्र में अपना डेरा जमाए हुए थी। फिर तो सालों के साथ ये भी पता चल जाएगा कि ये खोपड़ी समंदर के किस भाग में थी, और साथ ही साथ पक्के तौर पर यह भी पता चल जाएगा कि कितने समय तक थी। हाँ, पता चल सकता है। तरीका एक काम करो, इस खोपड़ी पर से जितने भी बैक्टीरियाज मिले उनका अच्छी तरह से एनालिसिस करो, इससे उनकी उम्र का पता लगेगा और बाद में हम इस खोपड़ी का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। सॉरी डॉक्टर सालंक, थोड़ा लेट हो गया। अरे यार, एनीवे कोई बात नहीं। बस ये है वो समुद्र से बहती हुई लकड़ी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। प्लीज चेक इट। सर, लकड़ी में से तेल निकलने लगा। इसका मतलब यह है कि यह लकड़ी समुद्र के उस हिस्से में थी जहां बहुत सारा तेल बिखरा हुआ था, और उसी में से कुछ तेल इस लकड़ी ने सोख लिया। सर, पानी में इतना तेल के लकड़ी ने सोख लिया, कैसे? कई बार ऐसा होता है ना कि कोई तेल से भरा हुआ जहाज अगर समुद्र में डूब जाए तो उस जगह समुद्र में तेल ही तेल हो जाएगा। शायद वैसा ही हुआ होगा। अब मैं ये लकड़ी जलाता हूँ। वो क्यों? दरअसल इस लकड़ी को जलाने से जो अलग अलग तरह की लपटें उठेंगी उससे हमें समुद्र के अलग अलग हिस्सों में मिलने वाले रसायनों के बारे में पता चलेगा। हम उन रसायनों की फोटोग्राफ लैब को भेज देंगे। लैब हमें बताएगी कि ये लकड़ी कहाँ कहाँ से तैरती हुई यहाँ पहुंची, और अगर उन्हीं में से कोई रसायन खोपड़ी पर लगा हुआ मिला तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि ये क्राइम कहाँ हुआ है। सर, इस खोपड़ी में मिले समुद्री बैक्टीरिया और एल्गी की उम्र लगभग 7-8 साल है। 7-8 साल से समुद्र में? तो इसका एक ही मतलब है कि ये खोपड़ी जिस आदमी की है उसकी मौत समुद्र में 2005 में हुई है। 2005। उन रिपोर्ट से हमें पता चल सकता था वो खोपड़ी कहाँ थी, कहाँ से बहके आई थी। कोई तो है, लेकिन जो ये नहीं चाहता कि सीआईडी इस केस के तह तक पहुंचे। किसी के चाहने या ना चाहने से सीआईडी नहीं रुकती। दया, रिपोर्ट के मुताबिक वो खोपड़ी 35 से 40 साल के आदमी की, और वो जो लकड़ी की लपटों के अलग अलग फोटोग्राफ्स हमने लैब में भेजे थे उन लपटों का केमिकल कंपोजिशन अरब महासागर के पानी से मिलता है, लेकिन उन लपटों का केमिकल कंपोजिशन सबसे ज्यादा शाओलिन समुद्र तल के पानी से मिलता है। इसका मतलब है शाओलिन समुद्र तल से ऊपर उठकर ये खोपड़ी बहती हुई लकड़ी से उलझकर अरब सागर में पहुंची। बिल्कुल, फेरस ऑक्साइड के अंश मिले। फेरस ऑक्साइड, लोहे की जंग।
लेकिन सर समुंदर के नीचे एक खोपड़ी पे लोहे की जंग कैसे आ सकती है सर? वही तो। ये खोपड़ी 8-9 सालों से पानी के अंदर थी और बहती हुई एक लकड़ी से जाकर फंस गई, जिसपे से हमें तेल के भी कुछ अंश मिले। हो सकता है ये खोपड़ी किसी डूबे हुए जहाज के मलबे के नीचे दब गई हो। डूबा हुआ जहाज पता लगाना पड़ेगा। पिछले 7-8 सालों में उस समुद्री हिस्से में कोई जहाज डूबा था क्या? सर ये है 1955 में सॉली बैकवाटर्स ऑफ अरेबियन सी में डूबी हुई शिप, जिसका नाम था मूनबोट 15Y। ये शिप मुंबई में होने वाली एक विशाल प्रदर्शनी के लिए कुछ कीमती धरोहर, स्मारक, कुछ पुरानी पंडुलिपियां, स्क्रोल्स लेकर आ रही थी और कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से डूब गई। जून 2005 करीबन 50 साल बाद हमारे सेंटर ने इस शिप की जांच का प्रोग्राम बनाया। फिर क्या हुआ? जांच सफल हुई? नहीं सर, क्योंकि उस जांच दल के चारों लोगों में से मेरे अलावा कोई वापस लौटा ही नहीं। क्या? नहीं लौटा मतलब ये कि तीनों गोताखोर आर्कियोलॉजिस्ट मेहुल, अंतरा और रणवीर सर, उनमें से कोई भी पानी से बाहर ही नहीं आया। तो फिर उनका क्या हुआ? हमने उनको तलाशने की बहुत कोशिश की, पर तीनों का कुछ पता नहीं चला। सिर्फ मैं ही वापस आ पाई, शायद इसलिए क्योंकि मैं उनके साथ पानी में गई ही नहीं थी। तो उस वक्त आप कहाँ थी? मैं पानी के ऊपर बोट पे ही थी। एक मिनट, वैसे आप कौन है? सर, मैं डॉक्टर शिखा, मैं उस टीम की सबसे जूनियर मेंबर थी। काफी देर तक जब उनमें से कोई बाहर नहीं आया तो मैंने सेंटर इन्फॉर्म किया। यहाँ से एक रिसर्च टीम वहाँ पहुंची और शिप का जो भी सामान था उन्होंने निकाल लिया। काफी दिनों तक उन सबकी खोज भी की पर उन सबका कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है डॉक्टर नैना, इस जहाज पर का जो भी सामान आपके पास है, जो भी सामान, वो सब हम हमारे ब्यूरो ले जाना चाहते हैं जांच करने के लिए। जी सर, 1 सेकेंड। हेलो जोजो, ऑफिस में आओ जल्दी। जोजो कौन? सर इन्वेंटरी का इंचार्ज है, जो भी सामान हमारे पास आता है उसका रिकॉर्ड्स वो ही रखता है। मैडम आपने बुलाया मुझे? हाँ, ये लोग CID से हैं और इन्हें मूनबोट 15Y से मिला हुआ जो भी सामान है वो इन्हें चाहिए। ठीक है सर, मैं आपके ऑफिस में भिजवा देता हूँ, क्योंकि कुछ समय लगेगा कुछ डिटेल्स और गेट पास बनाने में। ठीक है, कोई बात नहीं। जोजो ने ये सारा सामान भेजा है मरीन रिसर्च सेंटर से। और तुम इन सारे सामानों को लिस्ट से मैच करके देख रहे हो? हाँ सर, और रणवीर, अंतरा और मेहुल, उन सब की फोटो भी भेजी है ईमेल पे और उनके रिकॉर्ड्स भी। मयूर वही चेक कर रहा है। गुड, काम करो फ्रेडी, तुम्हारा ये सब लिस्ट चेक होने के बाद में ये सारा का सारा सामान फोरेंसिक लैब में भेज दो। यस सर। हाँ डॉक्टर तारिका। ओके ग्रेट, थैंक्स सर। उस खोपड़ी का रिकंस्ट्रक्शन हो गया है, डॉक्टर तारिका ने मेल भेजा फेस इंप्रेशन का। गुड। सर देखो जरा वो चेहरा चेक करो। सर ये रही उस आदमी की शक्ल। मयूर रणवीर, मेहुल और अंतरा, इन तीनों के चेहरे दिखा। सर ये रहे सर। सर खोपड़ी से जो चेहरा बनाया गया है वो मरीन से गायब हुए किसी भी आदमी से मैच नहीं कर रहा। हाँ सचिन मिल तो नहीं रहा है, फिर भी ये खोपड़ी पर जो चेहरा बना है ना, उसे मयूर हमारे रिकॉर्ड्स के साथ मैच करके देखो। सर ये तो नामी जादूगर सम्राट है जो 2005 में गायब हो गया। क्या सम्राट सर इस दुनिया में नहीं रहे? और हम ये जानते हैं कि आपके सम्राट सर की मौत 2005 में हो गई थी। 2005 जून से तो गायब हो गए थे वो। 2005 में आप लोग थे सम्राट के साथ? हमने तभी ज्वाइन किया था और हम उनके असिस्टेंट थे। ओके, तो उनके गायब होने से पहले की कोई खास बात
आपको याद है? हाँ सर, उस वक्त वो ताले और जंजीर बना रहे थे जिसका हमारा जादू के शो में भी कोई काम नहीं था। मैं आपको उसकी फाइल दिखाता हूँ। राज, सम्राट सर की वो ताले वाली फाइल ले आना। ताले और जंजीर बना रहे थे? जी सर। हाँ सर, मैंने उनसे एक बार ये पूछा भी था कि ये क्या है। बोल रहे थे किसी खजाने की चाबी है जिससे वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे और उनके सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे। सर ये देखिए फाइल। सर ये ताले जैसे दिखते नहीं है लेकिन ये ताले ही हैं। सर 4 जून को वो अपने बनाए हुए ताले और जंजीर लेकर चले गए और हमसे कहा कि आज दौलत दरवाजे पर आ जाएगी। लेकिन सर उस दिन के बाद वो कभी वापस ही नहीं लौटे। तुम लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की? सर की थी। वो अपने पास कभी फोन भी नहीं रखते थे, कोई परिवार भी नहीं था उनका। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट की थी मगर कुछ पता नहीं चला सर। ठीक है, नेक्स्ट। फिर से स्कैन करते। माय गॉड, ये क्या चक्कर है? आरोप सर, क्या हुआ? आपने अर्जेंटली बुलाया? दया, जहाज में से मिले हुए सभी आर्टिफैक्ट्स, ये सारे धरोहर का कार्बन डेटिंग कर लिया है। ये सभी की सभी चीजें 16वीं शताब्दी की हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। ये क्या बात कर रहे हैं? मून बोट में मिली तमाम चीजों में एक चीज 16वीं शताब्दी की नहीं है? नहीं सर, इसका मतलब वो चीज मून बोट की हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती, और वो कोई धरोहर भी नहीं है। वो है एक छोटा सा हथियार, ये चाकू जो 2002-2003 में बना है। सर 1955 में ये जहाज डूबी थी और उसमें 10-12 साल पुराना हथियार का मिलना, इसका मतलब है कि समंदर के अंदर पड़ी ये मून बोट, इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है। जब अंतरा, रणवीर और मेहुल गायब हुए थे 2005 में। और सर सम्राट का भी वहाँ होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर इसका मतलब सम्राट का कोई ना कोई संबंध तो ज़रूर है उस घटना से जिसमें रणवीर, मेहुल और अंतरा की जान गई उस पानी के अंदर। समंदर के गहराई में वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पे इस मून बोट का मलबा पड़ा है।
कहीं चोरी करते वक्त हमें कोई पकड़ न ले। अरे सर कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो। सीआईडी का बैच है ना, लोग उसे सीआईडी का बैच दिखाएंगे और कहेंगे चोर पुलिस करने आए हैं। पहले अंदर तो चलो। सर सर सर, अंदर आर्काइव्स रूम में से कोई आवाज आ रही है। अब लोग जाओ, मैं आता हूँ। लगा चुप, सुन, मरेंगे तो साथ में मरेंगे। कुछ और ना। सर, वो देखिए, वहाँ पर कोई है। लाइट ऑफ, बंद कर, बंद कर टॉर्च। हमसे पहले कोई चोर आ गया, टेप चुराने के लिए। एसीपी साहब ने हमसे कहा नहीं कि उन्होंने किसी और को भी टेप चुराने के लिए बोला है। ऊपर कौन हो तुम? नकाब उतारो। मैं डॉक्टर शिखा, मैं उस टीम की सबसे जूनियर मेंबर थी। रुक जा। शिखा? शिखा तुम? इतनी रात के तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, सर मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दीजिए। सर ये झूठ बोल रही है, इसने कोई टेप्स चुराए हैं। टेप्स? कैसे टेप्स चुराए तुमने? सर मैं बेगुनाह हूँ, मैं बस ये नहीं चाहती थी कि वो मून बोट के टेप्स किसी और के हाथ लगे। क्या है उन टेप्स में? क्या है बताओ जल्दी। सर वो उस टेप में, सर मैं अपना काम कर रही थी तभी मैंने देखा कि एक बोट सामने से आई और उसमें कुछ लोग थे। सर कुछ समय के बाद उन लोगों में से एक आदमी पानी में चला गया और फिर थोड़ी देर के बाद वो ऊपर आ गया। मैं डर गई थी सर, मुझे लगा कि उस खूनी ने मुझे भी देख लिया है और वो मुझे भी मार देगा। मेरी बोट पे भी एक कैमरा था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, उसी रिकॉर्डिंग के टेप्स लेने आई थी सर। सर इसका मतलब इसने सम्राट का खून होते देखा था क्योंकि उसी के सर में गोली लगी थी। तुम ये टेप्स पहले भी तो चुरा सकती थी ना, फिर आज ही चोरी करने का क्यों सोचा तुमने? उस वक्त सभी को ये लगा कि ये एक हादसा है, ऐसे में वो टेप कौन देखता? मुझे क्या पता था कि इतने सालों बाद सीआईडी उस दबे हुए केस की फिर से छानबीन करेगी। बहुत बड़ी गलती की तुमने शिखा, जुर्म को छुपाने की। जुर्म छुपाना भी एक अपराध होता है समझी? अब तो तुम्हें जेल में बैठना पड़ेगा जब तक कानून तुम्हारा फैसला नहीं करता। एक मिनट पॉज करो सचिन, जो सामान हमारे पास मरीन सेंटर ने भेजा था उस डूबे हुए जहाज पर जो था वो, उसमें ये मेटल बॉक्स नहीं था, ये संदूक। हाँ सर, ना तो ये बॉक्स लिफ्ट में था और ना ही मरीन रिसर्च सेंटर से आया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मरीन सेंटर वाले ये बॉक्स छिपा रहे हैं हमसे? ये भी तो हो सकता है सचिन कि ये बॉक्स मरीन रिसर्च सेंटर तक पहुंचा ही नहीं,
सर, फिर ये बॉक्स गया कहाँ? और इसके अंदर था क्या? हो सकता है पूर्वी की कीमती सामान हो इसमें, और ये सारा सामान 1955 में महाराष्ट्र के एक म्यूजियम में आने वाला था। म्यूजियम में? तो कहीं ये खून इस संदूक की वजह से तो नहीं हुए? पता लगाना पड़ेगा म्यूजियम से क्या था इस संदूक में। मुझे 1955 के कार्गो शिप्स की फाइल्स चाहिए। सर, कितनी धूल है यहाँ पे, साफ सफाई करने की सख्त मनाही है। छींक फैलाओ अभियान की पूरी तैयारी कर रखी है यहाँ पे। सर, ये रही वो फाइल कार्गो शिप वाली। ये देखिए। ये देखो, मेटल चेस्ट, संदूक, मुगल जवाहरात से भरा हुआ संदूक। 1955 की लिस्ट में है लेकिन मरीन रिसर्च सेंटर के इन्वेंटरी में नहीं है। संदूक किसी ने पानी के अंदर से ही गायब कर दी। सर, ये काम कौन कर सकता है? श्रेया, ये काम तो वही कर सकता है जो मरा नहीं। सर, पानी में तो सम्राट, अंतरा, मेहुल और रणवीर गए थे। तो सर, इनमें से तीन के कंकाल तो मिल चुके हैं। सर, हो सकता है कि रणवीर भी मर गया हो और उसकी लाश मछलियों ने खा ली हो, या फिर पानी की भाव से उसकी लाश कहीं दूर बह गई हो। पंकज मान लिया कि ऐसा ही हुआ होगा, मगर संदूक का क्या? क्या वो जवाहरात से भरा हुआ संदूक गायब हो गई? जरा सोचो, सम्राट, मेहुल, अंतरा, ये तीनों के तीनों उस जहाज में कैद थे। उनके कंकाल तो हमें मिल गए, मगर रणवीर का कुछ भी नहीं मिला। इतना सा निशान तक नहीं मिला रणवीर का। इसका मतलब है कुछ न कुछ तो करके रणवीर वहां से गायब हो गया उस संदूक के साथ। सब किया हुआ रणवीर का ही है। पर सर, अब तक तो सब ये समझते थे कि रणवीर मर चुका है। अगर वो जिंदा है भी तो हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? पर एक बात ये भी है सर कि रणवीर ने उस सोने को वैसे ही बेचने की गलती नहीं की होगी, वरना अब तक पकड़ा जाता। बिल्कुल, तो बस पता लगाना पड़ेगा 2005 के दरमियान ऐसे कितने जौहरी थे जो जवाहरात, सोना, चांदी गलाने का धंधा करते थे। ये रणवीर जरूर उन्हीं में से किसी एक के पास गया होगा। तो हाँ सर, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, अभी तक तो कुछ मिला नहीं सर। आप कुछ पता चला सर? हम लोग यहाँ पता कर रहे हैं सर, अगर आप कुछ पता चला तो हम आपको बताते हैं सर। आइए आइए सेठानी जी, इससे पहले कि वो आ जाए, आइए, इसको तो मैं ऐसे बंद कर देता हूँ, गलती हो गई। आइए आइए, बुली क्या काम है? यही है, बहुत खतरनाक जगह है ये, उतरते ही पीछे लग गया एक। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। बहुत मुश्किल से आए आपकी दुकान, पीछे एक चोर बुर्बक टाइप आदमी लग गया था, नीचे खड़ा, आइए दिखाता हूँ उस तरफ। आइए इधर आइए, वो देखिए फोन पे बात कर रहा है, लगता है अपने साथियों को बुला रहा है यहाँ पर। बाप रे, आप रुकिए, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस? नहीं नहीं नहीं, अरे सेठ जी सेठ जी सेठ जी, अरे आप तो कच्चे खिलाड़ी निकले। अरे पुलिस को फोन नहीं करना, लोग बैठे, हमारा जो माल है ना ये वाला अलग किस्म का है। अलग किस्म का? बताऊंगा नहीं, टिकाऊंगा। आइए सेठानी जी, कम सेठानी
सही जगह पर आए हैं आप। कहां से आत्मा रहा है? फालतू सवाल बड़े कर रहे हैं आप। माल देखिए, आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। तो बेचना है? सिद्धानी जी कह रही है बेचना नहीं है। तो खरीदना है? खरीदना भी नहीं है। तो फिर गहनों के बदले गहने लेने हैं? तो फिर आप लोग क्यों आए हुए यहाँ बाजार में? मासूम है, इधर है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि आप इस सामान को पिघला दें। जब बाजार बढ़े, रेट बढ़े, हम धीरे धीरे हौले हौले प्यार से बेचेंगे, पैसे कमाएंगे। आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपके काम के डबल रेट लगेंगे। अरे सेठ जी, डबल रेट क्यों? कोई बात नहीं, ये काम पहले किया ना। अरे कैसी बात करते हो? बहुत बार किया, और ये जो आप लेकर आए हैं, ये तो चिल्लर है। 2005 में तो हमने मुगल काल के बने हुए अरबों रुपए के गहने और कीमती धरोहर को गलाया था, और किसी को कानों कान खपर तक नहीं होने दी थी। पूरे 4 दिन तक चलता रहा था ये काम। आइए मेरे साथ। नहीं। अरे चुन्नू, अरे सेठ लोगों का कुछ माल है, गलाना है इसको। कितना माल है साहब? जोजो, तुम अरे आप कहीं जा रही हैं क्या? हम लोग तो चाय नाश्ते से लेकर डिनर तक का प्रोग्राम बना के आए थे। क्या बात है, आप ऐसे क्यों देख रही? लगता आपने हम सीआरडी वालों को पहचाना नहीं। नैना जी, माफ करिए, आपके दोस्त जोजो हमारे साथ नहीं आए, लेकिन उन्होंने आपके यहाँ का पता दिया हमें। जोजो ने? पर क्यों? क्योंकि समंदर से निकली कीमती चीजें मरीन सेंटर से गायब करके बाजार में बेचता है वो, आपके साथ मिलके। मेरे साथ? क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? देखिए मैडम, आपका सारा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है, बेहतर यही होगा कि आप खुद ही बता दीजिए। मैंने ही समुंदर से मिले मुगल जवाहरात लिए थे। और कौन कौन मिला है तुम्हारे साथ इस काम में? कोई नहीं था सर। छोट मत बोलो, 2005 में तुम मरीन सेंटर में थे ही नहीं, तो फिर मुगल जवाहरात तुम्हारे पास कैसे आए? मैंने कुछ लोगों को सेट किया था, उस टाइम मैं जूनियर विंग में थी। क्या बात है, आप समंदर में गई नहीं, सम्राट का खून आपने किया नहीं, तो फिर कौन है ये जो आपकी मदद कर रहा है? सर मेरे साथ थे कुछ लोग। साथियों के नाम तो होंगे ना? कौन है अंदर? सर अंदर कोई नहीं सर। सर मैं अकेली हूँ सर, किसे देख रहे हैं सर? बारा चुपचाप। ओ रणवीर, रणवीर कौन? रणवीर 3-3 फोन करके इतने सालों से छुपा हुआ। सर मैं तो नैना का पति सिद्धांत हूं। नाम बदल सकते हो लेकिन चेहरा नहीं। मैं ही रणवीर हूं। 2005 में मैं और मेरी टीम समंदर पे उस जगह गई थी।
उस चेस्ट के बारे में सिर्फ मैं जानता था और कोई नहीं, इसलिए मैंने सम्राट के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। और सर मैं चेस्ट लेकर पानी के रास्ते बाहर आ गया। सच्चाई को सामने आने में देर लग सकती है, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं। सम्राट को उसके किए की सजा तुमने दे दी, लेकिन तुम्हें सजा दिलाने के लिए सम्राट की खोपड़ी खुद पानी के बाहर आई। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा कानून जरूर देगा, शायद फांसी होगी। Want to enjoy more case files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.